एक सेठ जी हुए जो कि बहुत रईस थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कर दिया पर वो कभी मंदिर में गए नहीं। सारे पुजारियों को भी रखवा दिया उन मंदिरों में पर वो कभी भी नहीं गए। एक बार क्या हुआ, सेठ जी को करीबन 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता आन पड़ी पर सेठ जी के पास रुपया नहीं थे। तो सेठ जी क्या करते हैं, सेठ जी जाते हैं भगवान के पास। तो सेठ जी सोचते हैं मैं सबसे पहले सुबह जाऊँगा और भगवान से सबसे पहले अर्जी लगाऊंगा, क्योंकि सेठ जी का भवानी का वक्त रहता था। तो सेठ जी सबसे पहले सुबह मंदिर में जाते हैं भगवान के पास, पर सेठ जी क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक भिखारी आके खड़ा रहता है। वो क्या मांगता है कि भगवान मेरे को 100 रुपये की आवश्यकता है, मेरी पत्नी बीमार है, 100 रुपये का बंदोबस्त करा दो तो आपकी मेहरबानी होगी। जी उस भिखारी से कहते हैं, क्या तू 100 रुपये मांगने आ गए, ये पकड़ ले 100 रुपये और जा यहाँ से। तो सेठ जी भिखारी को 100 रुपये देते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि भगवान कहीं ना कहीं से मेरी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करवा दे। तो भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान से सेठ जी कहते हैं, भगवान मुझे 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, आप मेरी व्यवस्था करवा। भगवान जी कहते हैं सेठ से कि तूने मेरा उस भिखारी से पीछा तो छुड़वा दिया, लेकिन मैं तुझसे पीछा कैसे छुड़वाऊँगा, क्योंकि मुझे तुझे 100 करोड़ रुपये देने के लिए तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तो सेठ जी कहते हैं, भगवान ये क्या कह रहे हैं आप, दाना तो मत मारिए। सेठ जी की आँखें नम हो गई। भगवान कहते हैं, हमेशा तुम उस पर मांगने तो आया, इसलिए तो तेरे पास मुसीबतें आई, अगर तू मुझे समर्पित कर देता तो उस पर मुसीबत आती क्यों। कहानी का सार इतना है दोस्त कि अपने आप को समर्पित कर दो, भगवान जो है तुम्हारा है, जो होगा तुम्हारा।